डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए जल्दी से आपको हम बिहार का कोरोना अपडेट ताज़ा तरीन बता देते हैं। बिहार में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो बिहार में फिलहाल 14,250 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं ताज़ा आंकड़ों के लिहाज से। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,174 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 59 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है और कुल मौत का आंकड़ा कोरोना से बिहार में पहुंच चुका है 5,222। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 3,100 लोग जो हैं कोरोना जो संक्रमित थे वो अब नेगेटिव हुए हैं पिछले 24 घंटे में। वहीं इन सबके बीच बिहार के रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है। बिहार का ताजा रिकवरी रेट है 97.25%। मतलब साफ है कि अगर बिहार में 100 लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल पहुंचे तो उनमें से 97 लोग जो है ठीक होकर वापस घर लौट आए हैं, बाकियों का अभी इलाज चल रहा है। एक और बात यहां देखने वाली यह है कि जो 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो तकरीबन 3 गुना ज्यादा है 24 घंटे में संक्रमित होने वाले मरीजों के तुलना में। मतलब साफ है कि अगले कुछ और दिनों में हम देखेंगे कि ये जो आंकड़ा है वो 10,000 के नीचे भी आएगा। मतलब साफ है कि हमारी सावधानियों का ही नतीजा है कि बिहार में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में अब ब्रेक लग रही है, रफ्तार धीमी पड़ रही है। और अगर कुछ और दिन हमने कोरोना में अपना ध्यान रखा, मास्क पहना, हाथ सैनिटाइज किया और वैक्सीन लगाते रहे तो आगे चलकर स्थिति और बेहतर होगी। चलिए जिलेवार भी कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। अगर एक्टिव मरीजों के या एक्टिव केसेस के लिहाज से बात करें तो बिहार में पटना टॉप पर है। पटना में 1,658 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बेगूसराय है जहाँ फिलहाल 745 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तीसरे नंबर पर है नालंदा जहाँ 718 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। चौथे नंबर पर समस्ती पुर है जहां 694 कोरोना के एक्टिव केस हैं। पांचवें नंबर पर सुपौल है जहां 640 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में जुड़े नए केसेस के लिहाज से जिलेवार, तो यहां पर भी पटना टॉप पर बना हुआ है। पटना में पिछले 24 घंटे में 132 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दूसरे नंबर पर पूर्णिया है जहां 72 नए लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तीसरे नंबर पर है बेगूसराय जहां 64 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पिछले 24 घंटे में पुष्टि हुई है। इसके अलावा चौथे नंबर पर है कटिहार जहां 62 नए लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पांचवें नंबर पर है मुंगेर जहां 57 नए लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा है और बिहार में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिन भी आप अपना ध्यान रखेंगे और बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहेंगे बिहार तक। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने।